जनवरी महासमाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ना ही बरसात हुई और ना ही बर्फबारी, जिसके चलते हल्द्वानी की गोला नदी समेत जिले के अन्य नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। आने वाले ग्रीष्मकालीन सीजन में पानी की किल्लत से हल्द्वानी शहर को जूझना पड़ सकता है। अगर हल्द्वानी शहर की बात की जाए, जहां शहर की आबादी को प्रतिदिन 32 MLD पानी की जरूरत होती है, जिसको जल संस्थान गोला नदी और ट्यूबवेलों से पेयजल की आपूर्ति करता है, वहीं गोला नदी के घटते जलस्तर पर जिला प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी संवीन बंसल का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी बर्फबारी और बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। नैनीताल शहर हल्द्वानी शहर के पेयजल के लिए प्रशासन उपाय करने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी शहर आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, ऐसे में पानी ट्यूबवेल ठीक किए जाएंगे और अधिक संख्या में टैंकरों की भी व्यवस्था की जाएगी। अभी हमारा क्योंकि स्नोफॉल सीजन खत्म नहीं हुआ है, ये अवश्य है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी प्रेसिपिटेशन कम रही है, चाहे स्नोफॉल के रूप में चाहे रेनफॉल के रूप में। हमारा लेक लेवल्स जो रैशनिंग भी हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लेक लेवल्स अगर हम कंपेयर करें सेम मंथ्स का प्रीवियस ईयर में, मतलब मीन्स आज जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे लेक लेवल्स कुछ हद तक डाउन हैं। लेकिन सर उसका असर वाटर सप्लाई पे पड़ सकता है आने वाले दिनों। लेकिन नैनीताल टाउन में तो हम रैशनिंग को थोड़ा सा और मैनूवर करेंगे, जिससे हमारे आगामी समर सीजन में इसका प्रभाव ना पड़े और जैसे जो पॉसिटी होती है पानी की वो ना हो। गोला में जो हमारी सप्लाई आ रही है कैचमेंट एरिया से, उसमें हमें गोला में भी हो सकता है कि आगामी समर सीजन में रैशनिंग की जरूरत पड़े और टैंकर्स हमें अतिरिक्त रूप से लगाने पड़े, ट्यूबवेल्स को हमको टैप करना पड़े।